हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद शर्जील खान, आजमगढ़ यूपी से। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि हाथ वाला पंखा बनाते कैसे हैं। ये आप देख सकते हैं, अपने पास गोल्डन कलर का पंखा है और इसमें जो ये है दो चौड़ी पट्टी, एक एक जो चौड़ी पट्टी है और ये एक फ्रिल वाली होती है और ये एक फोफी होती है गोल्डन कलर की और उसके साथ एक डंडी आती है। ये देख सकते हैं प्लास्टिक की डंडी रहती है, ये लगती है और ये गोटे वाला लैस इसको बोलते हैं जो पंखे के लिए यूज़ होता है। और ये देखिए, ये फोफी की पैकेट होती है ऐसे 20 पीस की, ये एक पैकेट आती है। अब इसके हमको काट लेते हैं इसको, और इसके जो काटते हैं इसकी जो लंबाई होती है काटने की वो 24.5 इंच की होती है, यानी मतलब कि 24.5 की हमको 5 पट्टी काटनी रहती है। चलिए फिर हम पट्टी काटते हैं, 24.5 की एक पट्टी और ऐसी ऐसी हमको 5 पट्टी काटनी होगी, तभी जाके ये पंखे की चौड़ाई इतना मतलब 12x12 का ये हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पट्टी काट ली गई है। अब इस 5ों पट्टी को हमको स्टिच करके जोड़ना होगा। और ये देख सकते हैं ये जो पतला वाला होता है ये फ्रिल के लिए बनाया जाता है, जो पंखे में साइड में फ्रिल में लगता है वो उसको बनाना पड़ता है। और एक जो है प्लास्टिक की बोरी है, ये सबके पास होती है घर में, ये प्लास्टिक की बोरी 4 पल्ला ले सकते हैं। और ये होता है फोम स्पंज जो हम लोग अंदर डालते हैं, और ये 4 mm का होता है फोम और इसको भी काटना पड़ता है 12x12 का, हम लोग आगे देखेंगे। अब ये 5 पट्टी हम लोग लिए हैं, अब उसको हम लोग स्टिच करेंगे, जोड़ेंगे एक में एक और उसको चौड़ा करेंगे पंखे इतना, मतलब 12x12। अब ये हम लोग स्टिच कर लेते हैं इसको, और इसको स्टिच करने का सबसे जो आसान तरीका है कि वो थोड़े से टाइट रखें, हल्का रखेंगे तो ये सही से फिर स्टिच नहीं हो पाएगा। और ये ऐसा ऐसा करके एक, और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा से फैलाएंगे ये देखने के लिए कहीं खुला तो नहीं रह गया है। वैसे ज़्यादा जब जोड़ने के टाइम ऐसा होता है अक्सर कि खुला रहता है और ज़्यादा हम लोग एकदम अंदर भी नहीं लेके जोड़ सकते हैं और बाहर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी कोशिश करने का कि बाहर ही रहे, नहीं तो जो पंखे की लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो फिर कम हो जाती है। ये ऐसे ही करके हम लोग 5ों पट्टी को हमको जोड़ना है। ये है 1 पट्टी 2 पट्टी 3 पट्टी हो गई इसमें, और इसको हम लोग पहले ऐसे हाथ से सही कर लेंगे, जितनी पट्टी लगाएंगे धीरे धीरे सही करते चलेंगे। अब ये 4थी पट्टी हम लोग जोड़ रहे हैं, अब 4थी पट्टी को जोड़ लेना है, ऐसे ही कर करके 5ों पट्टी को जोड़ना है। ये है 5वीं पट्टी। अब ये 5वीं पट्टी जब जोड़ ली जाएगी फिर उसके बाद ये पंखे की साइज ये बन जाती है, यानी कि 12x12 हो जाता है। उसके बाद फिर सही से हम लोग इसको फैला के एकदम सही से कर लेंगे, और थोड़ा सा जो बढ़ जाता है, जो छोटा और बड़ा हो जाता है उसको हल्का से कटिंग करके एकदम शेप दे देने का। और फिर यहाँ से है एकदम मिला के फिर हम लोग उसको जॉइंट कर लेंगे, मतलब एक पंखे की तरह इसको बना लेंगे। एक ऊपर एक सिलाई मारेंगे और एक साइड में भी सिलाई मारना होगा। और ये जो होता है ये गोटे वाला लैस होता है, इसके लिए जो भसकने का चांस इसका बहुत ज़्यादा होता है तो साइड में ही अक्सर भसकता है। तो साइड में हम लोग एक स्टिचिंग कर लिए हैं, उसे एक स्टिचिंग और करना पड़ता है। डबल स्टिच जब आदमी कर लेता है तो फिर नहीं फंसकेगा वो। अब यहाँ से ये हो गया है, अब इसको हमको अब प्लास्टिक की बोरी लेके हमको फिर उस पर स्टिच करना होगा, तब जाके फिर हम उसको पलटी मारेंगे। अब प्लास्टिक की बोरी लेंगे, अभी ये देखिए ये पूरा हो गया पंखे की साइज़ का। अब ये प्लास्टिक की बोरी है, अब प्लास्टिक की बोरी पर रख के हमको उसी तरह जिस तरह हमने सिलाई मारा था उसी तरह रख के और फिर हम लोग स्टिच करेंगे। ये आप देख सकते हैं जहाँ पहले मैं स्टिच किया हुआ था उसी पे फिर स्टिच मारना है, और यहाँ पे एक ही बार मारना है, डबल नहीं, एक बार में हो जाएगा। और एक साइड में ये इसको हम लोग मार लेंगे। अब ये मारने के बाद ये हो गया, स्टिच हो चुका है प्लास्टिक के ऊपर, और साइड में जो प्लास्टिक काफ़ी बड़ी हुई रहती है उसको छाँट लेते हैं, उसको कटिंग कर लेंगे। पंखे की साइज़ जितना रहता है उतना कटिंग कर लेंगे।
अब ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है ये कि इसको पलटना है, यानी कि प्लास्टिक जो है वो अंदर चले जाए और जो ये गोटे वाला लेस दिख रहा है वो बाहर, ये देख सकते हैं आप। और इसको बहुत आराम से पलटना होता है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते हैं। ज़्यादा अगर ज़ोर हम लगा दिए तो ये भसकने का जो चांस बहुत ज़्यादा होता है। बहुत स्लोली उसको हल्के हाथ से आराम आराम से उसको पलटना पड़ेगा। और फिर इसको धीरे धीरे जब हम पलट लेंगे, जब एकदम उसका जो अंदर का कोना वोना होता है चारों साइड का, और जब कोना वोना सही से निकल जाए, फिर उसके बाद हम लोग इसको जो साइड में जो जहाँ पे स्टिच किए रहते हैं वहाँ हल्के से हाथ से दबा लेने का कि एकदम पंखे की तरह हो जाए, एकदम ऐसा दबाते हुए एकदम सही कर लेने का हाथ से। अब इसके बाद जो आता है फिर इसके स्पंज इसके अंदर डालना है। अब फोम डालना पड़ेगा, और ये फोम देखिए, ये भी फोम 12x12 का काटे रहते हैं। एक फोम है ये ऊपर डालेंगे, ऊपर वाले हिस्से में, यानी पंखे के दोनों साइड में ये फोम डालना पड़ेगा एक एक, और डाल के अच्छे से एकदम अंदर से कोने तक पहुंच जाए स्पंज। और फिर ये आप देख सकते हैं ये दूसरा स्पंज है, ये भी डाला गया है। अब इसको भी डाल लिए हैं एकदम आराम से, जब पूरा कोने में एकदम बैठ जाएगा, फिर उसके बाद एक हम लोग जो साइड में जो सिलाई करते हैं, जो एक मतलब मगजी की तरह लगता है, फिर वो हम सिलाई कर लेंगे। ये पूरा एक साइड होता है, दो तीन साइड पूरा ये सिलाई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये तीनों साइड हैं। ये बनाने में तो बहुत आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तीन साइड से सिलाई हो गई है, मतलब ये हो गया कि जो अंदर का फोम है ये पकड़ चुका है, और जो हम साइड में जहाँ पर डंडी लगती है वहाँ पे भी हम लोग एक मतलब वो लेके जो मगजी को जो कवर करता है ये पट्टी चौड़ी वाली, उसको भी हम लोग 13 इंच 14 इंच काट लेते हैं। और उसके बाद इसको हम लोग हाफ में मोड़ देंगे। अब हम लोग जो है वो स्टिच करेंगे, मतलब ये जो चौड़ी वाली पट्टी होती है गोटे वाली, उसको लेके और आधा आधा करके बीच में एक पट्टी मार लेंगे। इसकी भी एक वजह होती है जो हम पट्टी में मारते हैं स्टिच, और ये ऊपर से मोड़ लेने का फिनिशिंग के लिए। और जो मोड़ा हुआ हिस्सा है वो ऊपर से पंखे की साइड में जहाँ पर डंडी लगानी होती है वहाँ से हम लोग, आप देख सकते हैं वहाँ से स्टिच करके पूरा एकदम। और ये भी जो है कि ये जब स्पंज जाने के बाद थोड़ी से मतलब ये भारी होते हो जाता है, मशीन पे उतना मतलब इजी नहीं चलता है, मगर धीरे धीरे हल्के हाथ से उसको हम सिल लेंगे। और फिर नीचे का भी जो हिस्सा होता है उसको भी मतलब मोड़ लेंगे ताकि फिनिशिंग रहे ऐसा बनने के बाद। ये ऐसा हम लोग मोड़ लिए और फिर पूरा इसको इस अच्छे से स्टिच कर लिए। अब ये हो गया मतलब ये डंडी की तरफ का, ये हो गया, ये आप देख सकते हैं। और जो ये प्लास्टिक यहाँ जहाँ पे डंडी लगानी होती है, अगर बड़ी है तो थोड़ा सा उसको हम छांट लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, यहीं पर डंडी लगेगी और इसी के अंदर डंडी कवर हो जाती है। अब ये समझ लो कि एक तरीके का बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग फिर अभी फ्लावर बनाएंगे, सिलाई मशीन से फ्लावर बनता है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिल बनाते हैं, जो फ्रिल साइड में लगता है पंखों के चारों किनारे पर, तो वो हम फ्रिल बना लेते हैं। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर डाल के ये फ्रिल इसका बना लिया जाता है। ऐसे ही फ्रिल बनता है, और जितना मतलब नज़दीक करेंगे उतना अच्छा दिखाई देगा। अब ज़्यादा दूर दूर करेंगे तो उतना अच्छा फ्रिल का लुक जो है वो अच्छे से नहीं आएगा। ये हमने बना चुका है, ये एक पंखे का बन चुका है ये। अब ये हम लोग फिर उसके अंदर लगाएंगे, मगर ये है कि फ्रिल लगाने से पहले हम लोग फूल बनाएंगे। पहले स्टिच मशीन से पहले एक चौक से हम लोग सेंटर में एक निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग फूल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो पत्ती बना रहे हैं ये सबसे पहले कि कॉर्नर से स्टार्ट किया जाए, ताकि एक कॉर्नर में और फिर दूसरे कॉर्नर में पत्ती बनेगी। ऐसे ही करके हम लोग चारों कॉर्नर में मतलब ये बनाएंगे। ये है कि यहाँ पे मशीन जो है बहुत आराम से चलानी होती है। फोम डालने के बाद थोड़ी सी मशीन भारी चलती है, जल्दी से मतलब मशीन खींचती नहीं है, तो उसको हल्के हल्के हाथ से, मगर ये हो जाता है इजीली, ऐसा है नहीं कुछ की नहीं होता। अब ये चारों पत्ती ये हमने बना लिया है। अब डिज़ाइन जो है ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कैसी भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मगर जो हमने बनाया है डिज़ाइन वो चारों पत्ती लेने के बाद, फिर अब दोनों पत्ती के बीच में ये गोल पत्ती हमने रख दिया है। ये भी एक डिज़ाइन जो है कि अच्छी लगती है बनने के बाद, ये आप देख सकते हैं। और ये ज़्यादा कोशिश ये रहे कि मशीन रुके ना, मतलब चलते ही रहे और हाथ घूमते रहें और ये बन जाए। वैसे अगर कोई रोक रोक के बनाना चाहे तो भी बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब ये जब ये हमारा फूल बन जाता है, अभी आप देख सकते हैं ये फूल बन चुका है और ये अच्छा लगता है देखने के बाद। इसकी वजह ये होती है कि जब इसके अंदर फोम हम लोग डालते हैं तो ये काफ़ी फूला हुआ लगता है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब ये लगभग ये मतलब ये काम हो चुका है। अब इसमें जो लगाने का है, अब फ्रिल लगाएंगे हम लोग। अब फ्रिल जहाँ लगाने का, यानी कि वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से डंडी की फोफी लगाएंगे वहीं से स्टार्ट करके, और ये एक साइड लगा लिए। अच्छा, इसमें जो कॉर्नर पे थोड़ा से अच्छे से मोड़ना पड़ता है, मतलब कि चूनट अच्छे से देना होता है तो लगेगा कि हाँ कॉर्नर पे चूनट अच्छे से आई है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे कॉर्नर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद बाकी तो सीधा ही रहता है। और फिर ऐसे ही करके हम लोग तीनों साइड जब पहुँच जाएँगे, उसके बाद थोड़ा से ध्यान देना होता है जहाँ डंडी की तरफ, अभी वो आगे आप देखेंगे। ये हो गया, यहाँ पे फिर कॉर्नर आया है, फिर हल्का से हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे जो है ये ऐसे करके, अब ये डंडी की तरफ हो गया, मतलब जहाँ पे डंडी लगेगी यहाँ पे, इसीलिए हम लोग जो बीच में सिलाई मारे थे उसी सिलाई के ऊपर ये लग जाता है। अब ये एंडिंग है, यहाँ पे हल्का से मोड़ के उसको फिनिशिंग देने के लिए फिर उसको वहाँ से सिलाई मार लेंगे। अब ये लग चुका है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर जब हम लोग डंडी वो डालेंगे तो वो दिखेगा कैसा, वो आप देख सकते हैं। और जो ये ऊपर का है वहाँ हमने ऊपर भी सिलाई कर दिया है। अब ये प्लास्टिक अंदर जाने के बाद अगर प्लास्टिक थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो उसको हल्का से और छाट लें ताकि वो अंदर से मतलब सही से हो जाए, अच्छा दिखें, उठा उठा ना रहे, इधर उधर फूला ना रहे। अब ये कट गया, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एकदम स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ डंडी डाल सकते हैं, और डंडी डालने का मतलब ये होता है कि उसको टाक लिया जाए दो तीन जगह तो वो डंडी नहीं निकलती है, मगर मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ कि बस ऐसे ही डंडी को डाला जाता है। और फिर उसके ऊपर एक सिलाई, जो ऑलरेडी एक सिलाई हम लोग कर चुके हैं, बस एक सिलाई लेके और उसको ऐसे ही चिपका देने का। ये हो गया आपका ये फाइनल। और हाँ गाइस, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही हम वीडियो, अब जो हम वीडियो बनाने वाले हैं कि हम कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा जो है कि ये पंखा दिखाई दे रहा है। चलिए फिर हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।